कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली बड़ी खबर है। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस आया है इनकम टैक्स विभाग से। बड़ा झटका, कांग्रेस को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 2017, 18, 2020, 21 के लिए नोटिस भेजा गया है कांग्रेस पार्टी को। आईटी के नोटिस में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। ये बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। खाते फ्रीज करने को लेकर कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग का बड़ा नोटिस जो कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस नोटिस में और क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या मांग की गई है, जितेंद्र शर्मा हमें ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है नोटिस में, डिमांड नोटिस है? जी बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ये रिकवरी नोटिस भेजा गया, और ये जो रिकवरी नोटिस है ये 1700 करोड़ रुपए का है, जिसमें जुर्माना और ब्याज दोनों जोड़ा गया है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। और इसे ये जो नोटिस है ये दरअसल साल 2017-18 से लेकर साल 2020-21 तक का जो असेसमेंट है उसको लेकर ये भेजा गया है। इसके विरोध में बकायदा कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट भी गई, लेकिन वहां से कांग्रेस पार्टी को कोई भी राहत नहीं मिली। और जब ये फैसला आया, जब कांग्रेस पार्टी की को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उसी दिन वापस से एक और इनकम टैक्स का नोटिस, 1700 करोड़ की रिकवरी का ये नोटिस कांग्रेस पार्टी को भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ, कुमार विक्रांत भी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, कांग्रेस के लिए एक और बड़ी मुश्किल, 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस इनकम टैक्स ने थमा दिया है। पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है? 2017-18 का ये मामला एक बार फिर कांग्रेस के सामने है, जब कोषाध्यक्ष होते थे मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के। जी निश्चित तौर पर आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे इस मुद्दे पर कि उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, और जो 2018-19 के 14 लाख रुपए का जो मामला था, उस मामले में पेनाल्टी लगा करके जो नोटिस 200 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात की गई थी, जिसके चलते खाते फ्रीज हो गए थे। अब एक बार फिर जब 1700 करोड़ रुपए का नोटिस आया, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि चुनाव से पहले एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट नाजायज ठहराता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसको लगातार नोटिस देकर चुनावी प्रक्रिया में जो समान होना चाहिए सब दलों के लिए वो नहीं है, और सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का। अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे कांग्रेस के बड़े नेता एक खुलासा करने वाले हैं, उसमें मोदी सरकार के करप्शन के खुलासे की बात भी है, और साथ ही साथ इस मामले पर भी वो डिटेल से पूरी जानकारी सामने रखेंगे। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका और जितेंद्र शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो याद होगा आपको, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं कि हम रेलवे टिकट खरीद पाए अपने नेताओं के लिए, सभाओं के लिए, पैम्फलेट छपवाने के लिए, पोस्टर छपवाने के लिए पैसे नहीं बचे, और अब 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस थमाया गया है कांग्रेस पार्टी को।